आओ यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, गांव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और ल... हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ, एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8 के लिए होने वाली ये वीडियो। एनसीईआरटी मैथ से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो आइए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा और क्वेश्चन को मैं इजी वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक आंट है, एक चींटी है जो फूड पीसेस के अराउंड मूव कर रही है। इस तरीके के आपके फूड पीसेस हैं, कुछ खाने के कुछ टुकड़े हैं, कुछ पीस हैं जो धरती पर या ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, तो उनके अराउंड जो है चींटी मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो चींटी यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, तो ऐसे करके जाएगी पहले पीस के लिए, ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से अगर मूव करेगी तो ऐसे जाएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी। ऐसे यहाँ अगर यहाँ से मूव करेगी तो ऐसे करके जाएगी यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे मूव करके यहाँ आ जाएगी। तो तीनों पीसेस के लिए ये बताना है कि किस राउंड में, किस वाले पीस के लिए उसे ज़्यादा राउंड लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एजी वे में बता दूँ, जिसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा उसी के लिए उसे ज़्यादा राउंड लगाना होगा। एज यू नो, जिस पीस का पेरीमीटर होता है किसी भी चीज़ की लेंथ, जिस पीस की लेंथ ज़्यादा होगी उसी के लिए उसे ज़्यादा राउंड लगाना पड़ेगा। एम आई राइट? तो अगर मैं ए वाले के लिए बात करूं, सबसे पहले मैं ए वाले के लिए बात करूंगा, तो देखो सबसे पहली बात तो ये जो एक सेमी सर्कल है ए वाले में, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ए वाला सेमी सर्कल है। तो एक तो मेरे को इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस ये वाली लाइन, ध्यान से सुनिएगा, सर्कमफेरेंस है ये वाली लाइन, ठीक है। और उसमें प्लस करना पड़ेगा ये इसका जो डायमीटर 2.8, क्लियर है। तो सबसे पहले मेरे को इसका जो डायमीटर है वो गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस होती है डायमीटर की आधी, तो 2.8/2 डेट इज 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई सर्कमफेरेंस, इसके सर्कल के सेमी सर्कल की रेडियस हो गई 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूँगा, लेंथ से मेरा मतलब है कि इस पीस की टोटल लेंथ कितनी है, यानी इसके अराउंड उस चींटी को कितना चलना पड़ेगा, तो लेंथ के लिए 2.8 प्लस करना पड़ेगा इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr और सेमी सर्कल का होता है πr, r की जगह पर आपका 1.4 काम कर रहा है, तो 2.8 प्लस पाई की वैल्यू आपको लगा देनी 22/7 इंटू 1.4, 7 से इसको कट कर सकता हूं मैं 0.2, तो 2.8 प्लस 22 का मल्टीप्लाई 0.2 से करूंगा तो 4.4, इक्वल करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। 7.2 सेंटीमीटर आ गया ये पहले फूड पीसेस के लिए 7.2 सेंटीमीटर आ गया। अब चलेंगे आपके दूसरे पीस के लिए, दूसरा जो फूड पीसेस है उसके लिए चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो इस देखो यहां से ये सेमी सर्कल है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 1.4 सेंटीमीटर होगी, डायमीटर की आधी होती है। ये 2.8 डायमीटर है, तो ये वाली जो है ये भी इसकी 2.8 होगी, एम आई राइट? और ये इसकी 1.5 है, तो ये भी इसकी 1.5 होगी, क्लियर है। अगर मुझे बी वाले की लेंथ निकालनी है, बी वाले की अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँगा बी वाले पीस की, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस πr,
इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पाई आर, ये वाली जो बाउंड्री ये पाई आर से निकलेगी, बाद आगे इन बाउंड्रियों को मैं प्लस करूंगा तभी तो टोटल लेंथ आएगी इस वाले पीस की, एम आई राइट। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस पाई आर, पाई से पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस है आपकी 1.4, जैसा कि हम पहले पीस के लिए निकाल चुके हैं। तो 1.4 सात से कट करोगे 0.2 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1.5 और 1.5 हो जाएगा आपका 3, डेढ़ और डेढ़ तीन होता है 3, तो ये 5.8 हो जाएगा। प्लस इसे सॉल्व करोगे तो 4.4 और इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 10.2 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं, 8, 4, 12 हो जाएगा 2, 1 कैरी 5 और 4 9 और 1 कैरी 10, 10.2 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका सेकंड पीस के लिए, सेकंड फुट पीस के लिए। अब लास्ट वन थर्ड वाला, थर्ड वाले के लिए ध्यान से सुनिएगा कि 2 सेंटीमीटर तो ये वाली बाउंड्री है और 2 सेंटीमीटर ये वाली है, तो 4 सेंटीमीटर तो यही हो गई आपकी बाउंड्री, प्लस इसका सर्कमफेरेंस, इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, और इसकी जो डायमीटर दिया है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया है, जैसे कि हर वाले फूड पीस में दिया है, हर एक में डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो सी वाले की अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो वो आपकी आएगी 2 प्लस 2 प्लस पाई आर, तो 2 प्लस 2 प्लस पाई 22/7 इंटू आर है आपकी 1.4। 1.4 क्यों, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं 2.8 की आधे, आधा जो करेंगे तो 1.4 आएगा, 2.8 डायमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस इसे कट करो 0.2 और इसे करेंगे तो 4.4 आता है। तीनों पीस में हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया था तो 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये थर्ड वाला पीस। तीनों पीस इसकी जो लेंथ है मैं निकाल चुका हूँ, एक 7.2, 10.2 और लास्ट वन है 8.4। क्लियर है? तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तीनों पीसेस में से सबसे ज़्यादा जो लेंथ आई है वो बी वाले की आई है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो बी वाले पीसेस में लगेगा, सबसे ज़्यादा घूमने में जो टाइम लगेगा वो राउंड लगाने में, या सबसे बड़ा राउंड किस पीस का है वो बी वाले का है। तो इसका जो बी पीसेस है वो आंसर हो जाएगा, बी वाला जो फूड पीस है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा था कि चींटी को किस वाले फूड पीस में ज़्यादा टाइम लगेगा या किस वाले पीस के लिए बड़ा राउंड होगा, तो बड़ा राउंड होगा बी के लिए, क्योंकि बी की लेंथ उसे ज़्यादा है, ज़्यादा कवर करनी है, बाद बाकी पीसेस की बी वाले से कम है। इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से।